छह दिन पूर्व हुए अंधे कत्ल का हुआ पर्दाफाश। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व टांडा के समीप ग्रामपुरा में खेत पर सोए एक किसान की अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले आरोपी को कुक्षी एसडीओपी मनोहर सिंह बारिया व टांडा थाना प्रभारी राजेंद्र मकवाना ने 6 दिन के अंदर आरोपी रूप सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से हत्या में उपयोग किए जाने वाले हथियार के साथ पकड़ कर न्यायालय में पेश किया गया। क्या सफलता मिली है पुलिस प्रशासन को? ये 25-26 के दरमियान रात को उप सरपंच पुरा का रतन सिंह, पिता भारता, 7 साल उम्र, इसकी कुल्हाड़ी से किसी हथियार से मतलब उसको सिर में वार करने से मृत्यु की सूचना 100 डायल को उसके लड़के द्वारा दी गई, सुनील द्वारा। उसके बाद पुलिस फिर उसमें जांच में सब लोग लगे, पुलिस अधीक्षक श्रीमान आदित्य प्रताप सिंह साहब और एडिशनल एसपी साहब देवेंद्र पाटिल साहब जिनके निर्देशन में टीआई बाग, टीआई कुक्षी और टीआई टांडा सबको निर्देशन दिया गया कि आप लोग इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण का निराकरण करेंगे। तो हम लोग काफ़ी दिन से 3-4 दिन से गांव में पूछताछ किए, घटनास्थल देखे, सब चीज़ पता करने के बाद फिर रूप सिंह ने इसको अपनी पत्नी से अवैध संबंध के कारण बताया कि कुल्हाड़ी से 2 वार करके सिंचाई करने गया था, वहीं पर इसकी हत्या कर दी थी। इसने कबूल किया है और कुल्हाड़ी जब्त कराई थी मौके से। मतलब काफ़ी कठिन था इसको पता लगाना, क्योंकि एक तरफ उसका वहाँ सोया था, मोटर की रखवाली करा था, काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई जिसमें पता लगाना बड़ा कठिन हो रहा था। फिर सबके बारे में जानकारी, ज़मीन के बारे में और कोई अवैध संबंध के बारे में इस तरह से पता किया गया, तो बाद में यही बात पता चली कि इसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। तो इसको कुछ दिन पहले देख भी लिया था इसने, तो उसी को बात को लेके इसने फिर में गाड़ी से 2 बार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसमें थाना प्रभारी राजू मकवाना और यहाँ की टांडा पुलिस की टीम ने भी बहुत मेहनत की और थाना प्रभारी पूछी कमलेश कमल सिंह पवार और जयपाल कमलेश सिंगार इनके द्वारा भी सहयोग किया गया इसमें, बता रहे थे। तो इसका अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है।